हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रसिका एंड आज हम करने वाले हैं हेयर बैंग्स का रिव्यू। तो जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे मेरे वीडियोस में देखा होगा, मेरे बाल जो है वो कर्ली हैं, बहुत ज़्यादा कर्ली है। तो मैं ऐसे सामने ऐसे बैंग्स कभी नहीं, मतलब बैंग्स वाला जो हेयर कट होता है ना, वो कभी नहीं कर पाई मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे हेयर्स कर्ली है। एंड अगर वो मैं बैंग्स करती तो वो ऐसे कर्ल वाले ऐसे कहीं भी इधर उधर ऐसे चले जाते, अच्छे नहीं लगते। तो स्ट्रेट हेयर्स के लिए वो जो बैंग्स होते हैं वो बहुत अच्छे दिखते हैं, वो बैंग्स वाला हेयर कट बहुत अच्छा दिखता है। कर्ली हेयर्स के लिए वो नहीं है। तो एक सॉल्यूशन है जो मुझे इंटरनेट पे ही मिला, तो वो सॉल्यूशन मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी। तो ये हेयर बैंग्स एक्सटेंशन क्लिप है जो मैंने अमेज़ोन से मंगवाई है। तो मुझे नहीं पता कि अगर मैं ये यूज़ करूँगी तो ये मुझ पर कैसे दिखेगा। तो अभी हम ट्राई करेंगे, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने वाली हूँ ये वाली क्लिप। तो देखते हैं कि ये कैसे दिखता है। तो इसका प्राइस, इसकी क्वालिटी क्या है, ये अनबॉक्सिंग करने के बाद ही मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगी। तो चलिए विदाउट एनी डिले अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो फेस है ना वो ओवल फेस है, थोड़ा सा ऐसे ओवल फेस है। तो मैंने फेस शेप्स के अकॉर्डिंग सुना है कि ये ओवल फेस के लिए, डायमंड फेस के लिए बहुत ही अच्छा दिखता है ये हेयर क्लिप एक्सटेंशन बैंग्स, फ्रंट बैंग्स। तो पता नहीं, चलिए ट्राई करते हैं। ओके, ये इसके अंदर एक और बैग है छोटा सा। ओके ओके, और एक इसके अंदर एक नेट टाइप का कुछ तो है बैग। कैसे करना है इसको? ओके, ऐसे ओपन करना है इसको। अच्छा, ये बो टाइप का कुछ तो है, इसको आप बो के ऊपर भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। ऐसे देखते हैं कैसे लगता है। या ओके, ये आया है इसके साथ एंड ये है हेयर। ओके, ये रियल हेयर्स नहीं है, थोड़ी सी, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है नॉर्मल हेयर से। तो अच्छा है, टिकेगा भी ज़्यादा। इसको मैं ऐसे खींच के दिखाती हूँ। अरे वाह, ये तो बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है। ओह वाह, लेकिन हमारा जो नॉर्मल हेयर होता है ना, वो थोड़ा सा भी खींचने पे जैसे टूटता है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है ऐसे खींचने के बाद। ओके, मुझे लगा था कि टिक टैक टाइप का कुछ, अच्छा टिक टैक टाइप का ये टिक करके आप अगर इसको ऐसे करोगे तो ऐसे ओपन हो जाता है। ऐसी टिक करके अगर आप इसको ऐसे प्रेस करोगे ऊपर से तो ये ओपन हो जाता है, एंड ऐसे टिक करके इसको आप क्लोज कर देते हो, मतलब फिक्स कर देते हो। जो टिक टैक वाला हमारा क्लिप होता है ना, हेयर क्लिप, उस टाइप का है ये। तो अभी पैकेजिंग की वजह से ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। आप इसको स्ट्रेट भी कर सकते हो स्ट्रेटनर के साथ, एंड आप शायद इसको कर्ल भी कर सकते हो। ये अभी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी ये कैसे दिखता है। लेट्स सी, आई एम वेरी नर्वस एक्चुअली, आई होप कि ये अच्छा दिखे। कैसे पहनना है यार ये? इसका हाइट ना आप एडजस्ट कर सकते हो, मतलब इतना आपको चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, जितना भी चाहिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये ऐसे थोड़ा आना चाहिए था, ये ऐसे करूँ क्या? इतना रख देती हूँ, इतना ठीक है ना, सही है इतना। यहीं पे इसको ऐसे मैं टिक करके फिक्स कर देती हूँ। वाओ क्या है ये, अपने मेरे बालों में बिल्कुल मैच हो गया है, ऐसे लगता ही नहीं कि मैंने क्लिप यूज़ किया है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करती हूँ ऐसे, चाइनीज़ जैपनीज़ की तरह दिख रही हूँ मैं। नॉट बैड यार, इट्स एक्चुअली गुड। थोड़ा सा ऊपर लगाना चाहिए, मेरी बिंदी है ना पिंक कलर की, ये भी दिख जाती, ठीक है। ओके, सायोनारा सायोनारा, कल फिर आऊंगी सायोनारा। वाओ, आई जस्ट लव्ड इट, सो ब्यूटीफुल यार, क्यूट। ओहो, अच्छा है ना मेरे कर्ली बाल से, इनमें ये स्ट्रेट बैंग्स कितना, मतलब क्या क्या लोग ढूंढ निकालते हैं यार, बहुत ही बढ़िया है ये चीज़, आई जस्ट लव्ड इट। ये देखिए साइड का भी कितना अच्छा, मतलब ये सिर्फ इतना सा होता नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे कुछ दिखता, आर्टिफिशियल टाइप दिखता है ये। लेकिन ये जो साइड का है ना, इसके ये लंबे वाले बैंग्स, इससे मतलब मस्त है यार, ये मस्त है। मेरा स्लिम दिख रहा है एकदम फेस, स्लिम।
इसको हटाने के बाद थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड दिखता है, लेकिन इसके साथ कितना स्लिम दिख रहा है फेस। पैकेजिंग की वजह से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा ही एक्चुअली ये नेचुरल दिखता है, क्योंकि हमारे बाल तो हमेशा ऐसे स्ट्रेट नहीं रहते ना। तो कितना क्यूट है, पहचान पा रहे हो क्या कौन है हम? थोड़ा सा ऊपर लगा के ट्राई करती हूँ। नहीं नहीं, ये बकवास दिखता है एकदम, ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, नीचे ही ये थोड़ी सी मेरी बिंदी दिखनी चाहिए यार। ये बहुत ही इजी है यूज़ करने में यार, ये बहुत ही मतलब फटाक से लग जाता है इसी, मतलब पता ही नहीं चलता कि आपने अलग से क्लिप लगाया है, एकदम मैच हो गया है ये मेरे बालों के साथ। वाह, खुले बालों में तो इसको दिखाई दूंगी कि ये कैसे दिखता है, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि इसकी प्राइस है ओनली 250 रुपीज़। 250 में आपको ये बैंग्स अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे, और मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसी लिंक से जाके आप ख़रीदना। अगर आप किसी और लिंक से ख़रीदोगे और ये अच्छा नहीं आएगा तो आप मुझे ही ब्लेम करोगे कि रॉन्ग रिव्यू दे दिया। तो मैं जिस लिंक से मैंने परचेस किया है वो वाला लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसी लिंक से आप परचेस करना, ठीक है? तो चलिए बाल खुलते हैं फटाफट से। इसको मैं ऐसे ऊपर ट्राई कर सकती हूँ, मुझे लगता है कि ये हाई पोनीटेल में भी बहुत ही अच्छा दिखेगा। मैं हाई पोनीटेल बना के आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। हाई पोनीटेल में ये कुछ इस तरह से दिखता है, मुझे तो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आप बताइए कि ये मुझ पर कैसे दिख रहा है। ठीक है, कभी कभार लुक चेंज करना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, पार्टी में जाना हो, तो ऐसे जा सकते हैं, फोटोशूट कर सकते हैं ऐसे, बहुत बढ़िया है। तो चलिए फटाफट से रिव्यू कर देते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, क्वालिटी वाइज मतलब हेयर में और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये ब्लैक कंप्लीट ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा सा स्लाइटली ब्राउन, एकदम स्लाइटली, जैसे हमारे बाल होते हैं ना नेचुरल इंडियन बाल, उसी टाइप का है, ये उसी कलर का है, बहुत ही अच्छा है। एंड थोड़ा सा थिक है वालों से, इसके लिए ये ज़्यादा देर तक टिकेगा भी। तो अगर आपको ये पसंद आया तो आप परचेज करिए 250 रुपीज़ में, इतनी अच्छी चीज़, मतलब एक अच्छी डील है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, एंड अगर मेरे बाकी के वीडियोस भी आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं हूँ रसिका, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।